तो सभी लोग कैंटीन के अंदर जा रहे हैं। ये है कैंटीन, अब हम यहाँ पर आके चाय पियेंगे और बाद में बाकी का। तो हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हम ब्लॉग में, तो बात ही कुछ खास है क्योंकि मैं, गौरव और अतीश तीनों भी अभी हम यूनिवर्सिटी में आए, तो मतलब काम था हमारा कुछ माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। मतलब जैसे कि आपको पहले बताया था मैंने कि पहले ब्लॉग में, मतलब हमारा ग्रेजुएशन का लास्ट एग्ज़ाम था ना गौरव, उस समय आप तभी से हम मिले तो पहले ही थे, क्योंकि ब्लॉग बनाना बंद किया था मैंने, कुछ काम था ऐसे ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू का। तो दोस्तों अभी हम आए हैं यूनिवर्सिटी में, तो कुछ काम था मुझे, मतलब क्या माइग्रेशन सर्टिफिकेट का, क्योंकि अब मैंने दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। तो सो अब मैं आया हूँ अमरावती शहर, जो महाराष्ट्र में बिलोंग करता है, ये आकर डिस्ट्रिक्ट है और हमारे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का ये डिविजनल प्लेस भी है। तो अभी हम जेरोक्स के लिए जा रहे थे, पहले ऑफिस ढूंढा और अभी हम आए हैं यहाँ पर। A few moments later. तो दोस्तों मैंने डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए थे सभी भी, तो डॉक्यूमेंट्स हमने दे दिए, अभी हम यूनिवर्सिटी फिर रहे। तो आज तो घूमना नहीं होगा ये पूरी यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ के पेड़ पौधे लगकर मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ में गौरव है, पीछे ये हमारा दोस्त क्या कर रहा है, वो फ़ोटो निकलना है। और अभी हमारे साथ कुछ देर पहले हम कैंटीन में बैठे थे, वहाँ पे मैंने ब्लॉग तो नहीं बनाया, लेकिन तनवीर का फ़ोन आया था कि वो बोल रहा था कि अतीश, उसने क्या किया कहा था तनवीर ने, हाँ वो बोल रहा था कहाँ पर ठहरे हो, तो लेकिन हम भी यहाँ नए हैं तो किसी को पता नहीं। लेकिन दोस्तों ये यूनिवर्सिटी, मतलब यहाँ का एरिया, यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण सब कुछ अच्छा है, जी करता है कि यहाँ पे एडमिशन करूँ। तो सो दोस्तों कुछ इस तरह सा है, तरह है ये हमारा यूनिवर्सिटी का माहौल, क्योंकि ये हमारा डिविजनल प्लेस भी है अमरावती डिस्ट्रिक्ट, जो महाराष्ट्र स्टेट में आती है। तो अभी हम जा रहे हैं, मतलब पूरा यूनिवर्सिटी का एरिया देखेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलने को करीबन 2-3 घंटे बाकी है, तब तक हम ये यूनिवर्सिटी का एरिया देखते हैं। दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही तनवीर मिल गया है, ये देखो आपको शरबत वाले वीडियो में मैंने बताया था, ये दोस्त तनवीर, इसका भी फ़ोन आया था और ये रास्ते में भटक रहा था, इसका ध्यान नहीं था, तो मैंने आवाज़ दिया उसको और वो मिल गया। तो दोस्तों फिर मतलब क्या है, ये गौरव वीडियो बना रहा है और सभी हम, अबे ये अच्छी बातें करो ना यार वीडियो में। तो ये यूनिवर्सिटी का, ये यूनिवर्सिटी है लेकिन ये एरिया बिल्कुल एक ही एरिया है, एक ही पार्ट है, मतलब ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसका पार्ट, एक ही पार्ट में हम घूम रहे हैं। मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट दोस्तों पहले ही मैं बता चुका हूँ, बहुत कुल लग रहा है। तो अब हम फिर से कुछ और भी डिपार्टमेंट देखेंगे। पहली बार जहाँ आए थे इसी एरिया में आए, लेकिन ये स्टूडेंट क्या है गौरव इसमें लिखा, स्टूडेंट्स एक्सेस सेंटर, कुछ इस तरह सा है यहाँ का एनवायरनमेंट। ये देखो यहाँ पर पहले मतलब हम उस एरिया में ठहरे थे, आतिश भी आ रहा है एक तरफ से, कहाँ गया वो, भेज दिया तनवीर, अपना काम कर रहा है, गौरव यहाँ पे बैठा है और फिर हम घास पर हम भी बैठेंगे अब। A few moments later. वो ये है वनस्पति शास्त्र विभाग, बॉटनी बे, मैंने वही कहा था। तो दोस्तों यहाँ पर कई सेंटर्स ऐसे हैं, मतलब यहाँ पर ज्ञान स्रोत केंद्र, यानी कि नॉलेज रिसोर्स सेंटर, ये यूनिवर्सिटी के कई डिपार्टमेंट्स है। और ये है बिल्डिंग, मतलब अभी दिखाया था आपको बॉटनी डिपार्टमेंट उसी का,
और ये है ये क्या है रे, होम साइंस। ये देखो यहाँ पर ये होम साइंस का डिपार्टमेंट, मतलब ये पूरी जो बिल्डिंग है उसी की है। और हम मेरे साथ है तनवीर, गौरव, आतिश, और तीनों चल रहे हैं। यहाँ पर पूरा एरिया मतलब खुला खुला ये, ज़्यादा ओवर हीट मत कर समझा। ओ दिस इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, यहाँ पर पूरा लिटरेचर। चलो अंदर जाके देखेंगे। अब ये मेरा नहीं है, मेरा पॉलिटिकल साइंस है, और मैं सीधा बैठूंगा मिनिस्ट्री में। ये कुछ नॉलेज सेंटर वगैरह मेरे काम नहीं है। तो अभी पीछे MBA का डिपार्टमेंट गया, और साथ ही हम कुछ कुछ बातों पर बहस करते चल रहे, जैसे कि यहाँ पर वेराइटी लिखा था और गौरव कह रहा था वेरिटी, मतलब कुछ अब वो गांव के लड़के सभी लोग हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। क्या है दोस्तों, तनवीर यहाँ पर फ्यूनरल होम यानी कि स्मशान भूमि दिखा रहा है गांव की। यहाँ पर ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट है। तो अभी यहाँ पर निकले हम जूलॉजी डिपार्टमेंट के पास पहुँच गए, यहाँ पर यानी कि प्राणी शास्त्र विभाग, है ना, ऐसे ही कहते नदीश इसे हिंदी में। एक्चुअली हमको लाइन तिकड़ी तिकड़ी लाइन होती थी वाली, शायद स्क्वायर पर हमने इस ब्लॉक को देखा था, मतलब मैप को, वो वाला रॉन्ग दिखाया हमने, तो शायद अभी हम जा रहे हैं नहीं रॉन्ग डायरेक्शन में आए। तो अभी यहाँ पर आतिश भी है, हम चारों को मैप नहीं पता था, लेकिन शायद अगर हमने मैप पर देखा होता ना तो सही डायरेक्शन में शायद हम पहुँचते। गूगल मैप लाओ ना। हाँ गूगल मैप पे देख, गूगल मैप लगा, वहाँ पर दिखेगा। अच्छा तो दोस्तों अभी हम रास्ता भटक चुके हैं, यानी कि अलग जोन में आ गए, तो अभी हमें जाना है राइट जोन में। तो देखते हैं पहले गूगल मैप पर और बाद में चलते हैं राइट जोन पर। तो ये यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस है, और ये है हमारा तनवीर, अलग अलग चल रहा है। तो सॉरी दोस्तों, हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, क्योंकि वहाँ पर ख़तरा भी हो सकता है। इसलिए जो इंडिकेशंस होते हैं, जो हमें वहाँ पर लिखा होता है, उसका पालन करना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ हो जाए तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। तो तनवीर, बहुत दिनों के बाद हम पहली बार ज़िंदगी में यूनिवर्सिटी में मिले हैं। ऐसे तुझे मैं मिलता रहता हूँ, पर क्या है फीलिंग कैसी थी? तो यहाँ पर बंदर है, हमें घूर घूर कर देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं इस डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, बॉटनी, जूलॉजी, यहाँ सब कुछ डिपार्टमेंट है। और ये कच्चा रास्ता है। नहीं नहीं अबे उसके पीछे मत पड़े यार, मतलब वो कभी एक ये कर देते, मतलब घायल कर दे, पता नहीं। तो दोस्तों ये है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, हम रास्ते जा रहे, दोस्त कहीं जा नहीं रहे तो यहाँ पर जा रहे। और ये मेरे दोस्त थे, वो आगे चल रहे। दोस्तों आज का व्लॉग भी कुछ खास है, तो नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर यहाँ से आगे, मतलब ये पीछे वाला एरिया, ये भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, और अभी हम सब लोग थक चुके हैं, तो पूरे पसीने से लथपथ है। और गौरव टॉवेल निकल रहा है अंदर से स्कार्फ पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है दोस्तों, अभी हम थक चुके हैं, थोड़ा आराम करेंगे इस परछा, मतलब परछाई में, मतलब यहाँ पर इसे क्या बोलते, शैडो पेड़ की, इसमें आराम करेंगे और बाद में आगे जाएंगे। अभी वहाँ पर मतलब पेड़ के छाव में अभी हम रुके थे, तो अभी हम तनवीर से कैंटीन पर जा रहे हैं तनवीर के साथ, और सभी लोग बातें कर रहे हैं। कैसे ऑटो की टिकट तनवीर भरेगा, ऑटो रिक्शा की,
नहीं नहीं बस स्टॉप पर 50 रुपये चाहिए हमको तीनों को, मतलब 150 रुपये तीनों की। तो अभी हम जिस पहले यहाँ कैंटीन पर रुके थे उसी कैंटीन में जा रहे हैं। तो सभी लोग कैंटीन के अंदर जा रहे हैं, ये है कैंटीन। अब हम यहाँ पर आके चाय पियेंगे और बाद में बाकी का। A few moments later. तो दोस्तों कैंटीन में चाय पीने के बाद हम सीधा दूसरे एरिया में आए, क्योंकि वहाँ पर हम जहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, उनसे भी मतलब उस सर्विस सेंटर वाले से बात हो गई है। वो भी उन्होंने अभी मुझे मतलब एक डेढ़ घंटा और मांगा। और दोस्तों मेरे पे मांगा यस मराठी मांगा मागितलं ओके विदर्भातला यस आय एम बिलॉन्ग फ्रॉम विदर्भा। विदर्भ इज अ रिजन ओनली, इज अ पॉलिटिकल मीन्स पॉलिटिकल रिजन आ नो पॉलिटिकल मीन यस पॉलिटिकल ओके इट्स अ पॉलिटिकल रिजन ऑफ महाराष्ट्र तो स्टेट। दोस्तों अभी हम क्यों यहाँ आए इसके वजह रीज़न है क्योंकि हमने एक ऐप इंस्टॉल किया है और उस पर एक टास्क था कि 6000 स्टेप यानी कि 6000 कदम वहाँ पर चलने पर उसका टास्क कंप्लीट होगा और वहाँ से कुछ कॉइन मिलेंगे और उससे पैसे में कन्वर्ट कर हम विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें पता नहीं कि वो ऐप्स जो है रियल है या फेक। तो फिलहाल तो हम सभी दोस्त चल रहे हैं एक साथ, गौरव भी है, आतिश भी है और तनवीर वहाँ पर रुका है, उसकी मोटापे की वजह से वो चल नहीं सकता, आपको उसका साइज़ देख कर पता ही चल जाएगा ओके। यहाँ पर इंडोर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेंटर है, ये देखो ये पीछे। तो अभी यहाँ पर पूरा एरिया बिल्कुल जंगल की तरह है, या जैसे कि यहाँ पर हम लगता है कि हम किसी जैसे क्या कहते हैं कॉर्बेट में मतलब सॉरी पार्क में आए। तो यहाँ पे छोटा ये पार्क ही है ना, यहाँ पर गेट लगा है, पार्क की तरह एरिया है। ये देखना झाड़ है, ये शोकेज की मतलब पेड़, तो इसी पर आए। तो आगे का एरिया बहुत ही अच्छा है, आपको आगे का व्यू दिखाऊँगा। तो जिस रास्ते से हम चल रहे हैं वो रास्ता कुछ आगे से इस तरह दिखता है। सॉरी दोस्तों बोलने में दिक्कत आती है क्योंकि हम मराठी ही बोलते हैं, तो इसलिए मुझे हिंदी बोलने में कभी कभी दिक्कत होती है, यानी कि मेरे जो वर्ड्स है वो मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर एनवायरनमेंट के कुछ अच्छे कॉट्स लिखे हैं इंग्लिश और मराठी में, तो आपको दिखाऊँगा। ये देखो, ट्री प्लांटेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। तो दोस्तों अभी हम जहाँ पर तनवीर ठहरा था उसके पास आ ही चुके। यहाँ पर तरह तरह के कुछ पेड़ है, उसके नाम भी पता नहीं मुझे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कॉट्स लिखे हैं, तो आइए हम कॉट्स पढ़ते हैं जो पर्यावरण के लिए रखे हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा है, भूस्खलन पर करो विचार, धरती पर कर दो वृक्षों का श्रृंगार। यानी कि जहाँ पर डिज़ास्टर होते हैं, लैंड डिज़ास्टर, लैंडस्लाइड, उसके लिए यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पे दोस्तों मराठी में लिखा है, तो ये भी पढ़ते हैं, इसे तो मैं आपको इलैबोरेट करके बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है, असेल हिरवी सृष्टि तर होइल अमृत वृष्टि। यानी दोस्तों आपको पता है कि पेड़ बचेंगे तो धरती पर बारिश होगी, यहाँ पर इंग्लिश पर लिखा है। यानी इसका मतलब था दोस्तों स्कॉट का कि अगर यहाँ पर धरती पर हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो धरती पर ज़्यादा बारिश होगी। तो सभी लोग जा रहे हैं, अभी मैं बैग उठाऊँगा। दोस्तों बैग लेने के बाद मैं भी उनके पीछे जा रहा हूँ तेज़ी से, क्योंकि वो मेरे मतलब 10-20 कदम आगे जा चुके हैं। अभी मैं पहुँच गया तनवीर के साथ, तनवीर पीछे रह गया था, मेरे लिए रुका था। आगे आतिश और गौरव है। यहाँ पर भी कुछ कॉट लिखे, सेव इन्वायरमेंट सेव आवर प्लैनेट अर्थ, यानी कि पर्यावरण को बचाओ और हमारा जो ग्रह है धरती उसे भी बचाओ। ये आपको तो पता ही होगा इसका मीनिंग, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी लगी, यहाँ का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर पर्यावरण का मतलब रक्षण बहुत हुआ, यानी कि यूनिवर्सिटी का 70 पर लगभग 60% एरिया ट्री प्लांटेशन का, यानी कि यहाँ पर पूरा ट्री प्लांटेशन हुआ है, इसलिए मुझे यूनिवर्सिटी बहुत ही पसंद आ गई ये कैंपस। A few moments later. तो दोस्तों फाइनली हमारा काम हो चुका है, अभी हम सीधे हमारे सिटी यानी कि वनी को निकलेंगे
हमारे टाउन को, जहाँ से हम वहाँ रहते हैं, जहाँ से आए थे। तो फाइनली काम हो चुका है एक ही दिन में, तो ये गौरव भी, सभी लोग खुश है। हम अभी आराम से, मतलब अभी 3:15 बजे, मतलब 3:15 ही ना, हाँ 3:15 बजे, तो यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद अभी हम सीधा जाएंगे गांव को, मतलब वनी को, हमारी जो टाउन है वहाँ पर। तो हमें जाने में तकरीबन कितना कितना समय लगेगा अतीश? 5 घंटे। आने में तो 5 ही घंटे लगे ना, हम करीब 5:45 को निकले थे तो 11 बजे पहुँचे। 5 घंटे, 5 घंटे लगेंगे दोस्तों। तो सीधे हम अभी यहाँ पर ऑटो रिक्शा पकड़ के सीधा वनी को जा रहे हैं, हमारे टाउन में। तो अभी मिलते हैं आगे। तो दोस्तों हमने फिलहाल ऑटो रिक्शा पकड़ी है और यहाँ पर तीनों बैठ कर जा रहे हैं अभी अब सीधा। हाँ, तो अभी हम सीधा बस स्टॉप पे जाएंगे और वहाँ पर एक बस पकड़ के मना हुआ यार हमारे टाउन की, राजपेट। लेके चलो अंकल। तो दोस्तों अभी निकले हैं हम सीधे राजा पेट बस स्टॉप अमरावती, मतलब इस शहर के, यूनिवर्सिटी के बाहर के। तो आपको दिखाऊंगा आप यूनिवर्सिटी कैसे दिखती है बाहर से, तो देखते रहे दोस्तों मेरे साथ। Moments later. तो दोस्तों वो जब वहाँ से, मतलब यूनिवर्सिटी से निकले, ऑटो पकड़ के बस स्टॉप पर आए और हमारा काम भी हो चुका है आज। तो अभी हम सीधा, मतलब बस स्टॉप पर आए, 5 मिनट ना हुए दोस्तों तभी बस लगी हुई थी और 5 मिनट हमने वॉशरूम गए और उसके बाद लगभग बस लगी और बस अब चालू हो चुकी है। अब हम सीधा वनी को निकल रहे हैं। तो दोस्तों आज का इतना ही ब्लॉग था, तो हम सीधा वनी को निकलेंगे और उसके बाद बाकी का। तो गौरव यहाँ पे मेरे साथ है, नोट गिन रहा है टिकट के पैसे और फाइनल दोस्तों 295 यानी कि 300 रुपये, करीब 300 रुपये टिकट है यहाँ से। और दोस्तों गौरव यहाँ का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तो मेरे को पता नहीं, 250 किलोमीटर। हाँ, 250 शायद 250 किलोमीटर है यहाँ से, क्योंकि यहाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट भी अलग होती है। तो दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा ये कॉमेंट करके बताइए, हम सीधा जाएंगे वनी में। तो अभी मैं आपसे जा लेता हूँ, तो ब्लॉग कैसा रहा ये बताइए और नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।